रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। टुडे फ्रॉम पीआईपीडी आई एम हियर टू प्रेजेंट लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एचआर, दैट इज एचआर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये एज यू नो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसमें हम चलते हैं इसके प्रेजेंटेशन के साथ। इससे बिफोर गिविंग द प्रेजेंटेशन आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, क्योंकि ये लास्ट हमारा सेशन है, तो इसमें मैं जरा थोड़ा सा ये आपको ये भी बताऊंगा कि दिस इज सेशन जो कि हमने अब तक किए हैं, तो उसमें एक बहुत अच्छी जो चीज़ है ये टोटली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थी। तो व्हाट आई डन इट, और जो कुछ मैंने किया मेरी एक्सपर्टीज, और ये आप इसमें देख सकते हैं। एक्चुअली माय नेम इज नवीद अनवर, आई एम एमएससी केमिस्ट्री एंड एमबीए। एमएससी केमिस्ट्री मेरा इससे बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं है इस सब्जेक्ट एचआर से, लेकिन ये जो मैंने फार्मास्यूटिकल में काम किया केमिस्ट्री से रिलेटेड था, और उसके आहिस्ता से ट्रेनिंग और एचआर में मैं आ गया। तो ये मेरी सक्सेस स्टोरीज हैं जिसकी वजह से मैं इस डायरेक्शन में आ गया। डाइवर्सिफाइड मेरे एक्सपीरियंस है, और ये जो आप नीचे भी इसमें देख रहे हैं एमबीए इज रेलिवेंट टू द एमबीए, मैंने 3 इयर्स का किया था, दैट्स वाई उसमें एचआर ऑल्दो के स्पेशलाइजेशन मेरी सेल्स ही, लेकिन ये सब कुछ दैट्स वाई इट इज रेलिवेंट टू माई फील्ड। अब जो करंटली ट्रेनिंग है एचआर खासतौर पर है। तो ब्रीफ वर्क हिस्ट्री, मोर देन 30 इयर्स ऑफ कैरियर इसमें। अभी करंटली मैं ट्रेनर एचआर सिक्स सिग्मा लीडरशिप फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म, जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये पीआईपीडी की है। इसमें बड़ा अच्छा मतलब ये प्लेटफॉर्म, और ये एक्साइटिंगली मैंने काम किया है। इसी तरह टीडीसी और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में भी मैं काम कर, देन जो है ना मैंने रिमोटली भी काम किया है। रिमोटली खासतौर पर इस सेशन में मैं ऑटोमेशन और ये जो आपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के रेफरेंस से मैंने बहुत कुछ लर्न किया है इस रिमोट, क्योंकि उसमें तमाम डिजिटलाइजेशन ही थे। अब जितना भी मैंने काम किया वो डिजिटलाइजेशन के साथ ही किया, बिकॉज देयर वॉज नो अदर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद दिस। तो ये यूरोपियन मार्केट थे, और वहां पर हमने मेरी सेल्स टीम भी डाइवर्सिफाइड थी बहुत से कंट्री से रिलेटेड, तो डिफरेंट एथनिक उनके, तो उसमें देन जो मेरा अब एचआर से रिलेटेड काम है वो मैंने लास्ट इस जनवरी में मैंने किया है। तो 2 साल तकरीबन एचआर एंड ओडी हेड विद ट्रेनिंग मैनेजर, ये दोनों पोजीशन मेरे पास थी। तो सेफ्रॉन फार्मा में मैंने काम किया। इससे पहले जो बाकी 29 इयर्स ये मैंने फाइजर फार्मास्यूटिकल में स्पेंड किए हैं, और यहीं पर मेरी सारी एक्सपर्टीज डेवलप हुई है। तो यहाँ पर मैंने सेल्स मार्केटिंग मैनेजमेंट ट्रेनिंग और एचआर कंप्लायंस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम किया है। तो ये बड़ा डाइवर्सिफाइड किसी एक जगह और एक डिपार्टमेंट में नहीं रहा, वेरियस डिपार्टमेंट्स में और मुख्तलिफ प्लेसेस पर मैंने काम किया है, इवन इंटरनेशनल भी वर्किंग की है। तो यहाँ पर मुझे जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मिली वो ये है कि मैंने स्टार्ट अपना सेल्स से किया था। सेल्स में जिस वक्त मैं आया हूँ, तो उसके बाद तकरीबन 5 इयर्स आफ्टर दैट आई वेंट टू द ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में बज़ाहिर एक मतलब लिमिटेड सी उसमें ये अपॉर्चुनिटीज होती हैं, और अपनी लीडरशिप दिखाने का मौका रिलेटिवली कम होता है, लेकिन मुझे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली ड्यूरिंग द ट्रेनिंग अर्ली स्टेजेस में ही। मुझे 1-2 साल के बाद ही एक बहुत बड़ा इशू सेल्स के आए रेलिवेंट टू द पीपल और एचआर। तो हमारी बहुत बड़ी रीजन जो थी, एक जिसे सेंट्रल रीजन आप कह सकते हैं, ऑलमोस्ट ये रेंगियन खान से टूअर्ड साहिवाल तक ये यहाँ पर, तो उसमें मुझे एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भेजा गया। पूरी टीम का इशू था, और उसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी कि शायद हम एक्सट्रीम डिसीजन वहाँ पर लेते वहाँ पर। तो वहाँ पर मुझे एक बहुत बड़ी सक्सेस मिली। मैंने 5 to 6 months मैंने काम किया, तो वहाँ से एक एचआर एक्सपर्टीज और लीडरशिप आप कह सकते हैं डेवलप हुई। तो इसमें मतलब ये उसके बाद फिर जब भी मैं ट्रेनिंग देता था फिर मुझे कोई ये नहीं कहता था
अगर वो कहते भी थे तो मैं प्रूफ करता था कि देखें ये जो सारी चीजें हैं, अब ट्रेनिंग में ये कहा जाता है कि हम लोगों को मोटिवेट करते हैं टू वर्क फॉर बेटर बेटरमेंट। यानी मैं सेल्स मैनेजर को ट्रेनिंग देता था कि भी अपने लोगों के साथ इस तरह बिहेव करें कि वो आपके लिए काम करना पसंद करें। तो लोग इस चीज को मानते नहीं थे, लेकिन मेरी इस वर्किंग में मेरी लाइफ अपनी भी चेंज हुई और मुझे जो ट्रू लीडरशिप कॉन्सेप्ट मेरे जहन में आया कि वाकई ये चीजें काम करती हैं, ये जो बुकिश बातें नहीं होती ये सब काम करती हैं। इसके साथ साथ मेरा ये ट्रेनिंग और फिर मैं एचआर में, दैट्स वाई के मुझे इंटरेस्ट हुआ कि ये लोगों से हम आगे काम ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आज लास्ट सेशन में इसलिए डेप्थ इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ कि यहाँ पर आप देखिएगा कि अब आपके पास एक प्लेटफॉर्म है। एचआर इज नॉट अ सिंपल टास्क, ये बहुत बड़ी टास्क है जिसमें आपको इवन अपने मैनेजर्स को भी, लाइन मैनेजमेंट को भी कन्विंस करना है कि लोग ही ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। और अगर वो मोटिवेटेडली काम करते हैं, आपने ऑर्गेनाइजेशन डेवलप की है अपनी प्रॉपर तरीके से, तो देन ऑर्गेनाइजेशन विल इम्प्रूव और आपके ऑब्जेक्टिव्स जो है ना वो अच्छे तरीके से अचीव होंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेरा जो जो एंथुजियास्टिक पार्ट है, आई वर्क विद इंटरनेशनल ट्रेनर्स लाइक कैन ब्लैंचर्ड। इसके साथ मैंने सिचुएशन एंड लीडरशिप का कोर्स डिवेलप किया फॉर फाइजर इंटरनेशनल। तो हमने यहाँ पर ये पूरा और बहुत ज्यादा उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी की। तो ये मेरा ओवरऑल इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन था जिसमें मेरी मोटिवेशन, आप बिकॉज ऑफ माई क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, बहुत से जो मैंने अपने आप को डेवलप किया और जो फ्यू इंसिडेंट्स है जिसमें बेहतर तरीके से मैंने, तो ये राइट साइड पर आप मेरे कुछ कोर्सेज हैं जो आजकल मैं ये करवा रहा हूँ, तो वो आप देख सकते हैं। तो ये मेरे इन्हीं क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की वजह से तो यहाँ पर PIPD CHR के जो इसके मेन कोर्सेज अब तक हमने कर लिए हुए हैं, आई अप्रिशिएट, आई एम हाईली एक्साइटेड दैट आज हमने ये हमारा लास्ट सेशन है, दैट इज डिजिटल एचआर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। तो बाकी अब तक जो हमने किया है उसमें अगर सिक्वेंशियल फॉर्म में भी देखा जाए तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सबसे पहले आती है। तो रिक्रूटमेंट्स एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये दो ऐसे सेक्शन है जो कि स्टार्ट में जो एचआर का मेन फंक्शन होता है। तो ज्यादातर कंपनियों में डिपेंडिंग और डिफरेंट नेचर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, तो एचआर ही यहाँ पर ज्यादा इन्वॉल्व होता है। तो लोगों के डेवलपमेंट के लिए, ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए ये दोनों चीजें जरूरी हैं। तो अच्छी सिलेक्शन और उनको डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्पिटेंसीज, ये देन वी डिस्कस्ड। और ये हमने पूरा ये मॉड्यूल एचआर एंड ओडी, एचआर का जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में पार्ट किया होता है, और ये चूंकि ऑर्गेनाइजेशन जो उसके स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस ये डेवलप करना है और उसके साथ लोगों को फिर अटैच करना है, तो ये सारी चीजें एचआर का फंक्शन है और किस तरह बेहतर तरीके से बनाया जाता है वी हैव ऑल डिस्कस्ड इन डिटेल। उसके बाद फिर कुछ प्रोसीजरल हमने चीजें डिस्कस की जिसमें कंप्लीट फाइलिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, टाइम शीट मैनेजमेंट, कितना लोगों की हाजिरी लगती है, अटेंडेंस है, और उसको फिर उसके लीव मैनेजमेंट और उसको फिर सैलरी मैनेजमेंट सिस्टम में एंड पे रिपोर्ट पेरोल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस में इन फाइलों में फिल किया जाता है। तो इसमें ऑटोमेटेड भी हमने काम डिस्कस किए ये चीजें, और उसके साथ जो एक्सेल या बिल्कुल टोटली अगर वो मैनुअल है, बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन, तो एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। तो ये सारी चीजें जिस वक्त हम मेनली जो है ना फोकस हमारा था एक्सेल पर था कि हम उसे, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी एक इंटरमीडिएट लेवल की है या लोअर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, तो कम से कम एक्सेल शीट पर हम उसके एचआर फंक्शंस को डिस्क्राइब कर सके। तो ये सारे चार पांच जो फंक्शंस थे वो हमने मेनली एक्सेल शीट पर एक्सप्लेन किए। यू कैन व्यू माई प्रेजेंटेशन। देन उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट्स के कुछ ये सेक्शन थे जिसमें कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज बकायदा देती हैं और कुछ ऐसी है जिसमें मोटिवेशनल फैक्टर है कि एम्प्लॉय बेनिफिट्स कंपनी क्या क्या दे सकती है। तो इसमें जो जो फिक्स्ड है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन जिसमें डिवेलप्ड है, तो ईओबीआई कंट्रीब्यूशन है, पैसिव एंड सेसिव विद एजुकेशन सेस,
इसके ग्रेजुटी मैनेजमेंट, एस्क्रेशिया मैनेजमेंट, प्रोविडेंट फंड, ये और साथ हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिसको एक एचआर मैनेजर को बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये गवर्नमेंट या आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज होती हैं जिसको आपने फॉलो करना है रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ। तो अगर आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे तो आप अपने सबॉर्डिनेट्स को बेहतरीन बेनिफिट्स दिलवा सकते हैं आउट ऑफ दीज। और इसमें जरूरी नहीं कि सारी चीजें आप एक दफा अप्लाई करें, आप जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है उसको फिर, उसके बाद कुछ रूटीन डॉक्यूमेंटेशंस जो होती है, जो एचआर के फंक्शंस होते हैं, छोटे छोटे काम होते हैं, वो हमने डिस्कस यहाँ पर इसकी लर्निंग की इन आवर मॉड्यूल्स। तो जैसे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है, इसका प्रोसेस क्या होता है, इश्यूज ऑफ लेटर्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के लेटर्स, ये चूंकि एचआर का फंक्शन होता है और ये इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, इसमें आमतौर पर टेम्पलेट्स बनाकर रख लिए जाते हैं, तो वो आप अब आजकल इसमें टेम्पलेट्स की भी जरूरत नहीं होती, आपके बने बनाए सिस्टम में अवेलेबल भी होते हैं। तो जितनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती जा रही है, एचआर फंक्शन उतना आसान होता जा रहा है। इसी तरह आंसरिंग एम्प्लॉय क्वेरीज है, रिकॉर्ड मेंटेनेंस, पेरोल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, तो ये सारे हमने सिस्टम जब डिस्कस किए, उसके बाद फिर इमर्जिंग ट्रेंड्स, ये वैसे हम साथ साथ ही उसके हर फंक्शन को हम मैनुअल, सेमी मैनुअल या सेमी ऑटोमेटेड और फुली ऑटोमेटेड, और ये ऑर्गेनाइज जितने जो आजकल इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं एंड इनोवेशन इन पेरोल एंड ऑल एचआर फंक्शन, ये साथ साथ डिस्कस कर। फिर जो है ना इम्पोर्टेंट, जो अब तक हमारे अब जो मेन पार्ट्स हैं उसमें एचआर लीडरशिप, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एचआर ऑडिट, एचआर बिजनेस पार्टनरशिप और सीवी मेकिंग फॉर जॉब अप्लाई एंड डिजिटल एचआर, ये सारे लीडरशिप अप्रोचेस और ये सारे आगे फॉर फर्दर बेटरमेंट ऑफ दिस है, एक्सेप्ट ये ऑडिट या बिजनेस पार्टनरशिप, ये कुछ टेक्नोलॉजी या कुछ ये डिफरेंट इसके इनके फंक्शंस हैं। तो अदरवाइज लीडरशिप आ गए, लीडरशिप अगर आप हम डेवलप करेंगे तो एचआर के फंक्शंस को हम बेहतर परफॉर्मेंस की तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एचआर बेसिकली ये एम्प्लॉयज को मोटिवेशन, उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी कॉम्पिटेंसी बढ़ाने के लिए ये सारा इनका रोल होता है। तो ये सारी चीजें अगर हम ज्यादा अच्छे तरीके से करेंगे और लास्ट में हम अच्छी लीडरशिप अप्लाई करेंगे, तो लीडरशिप कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से लेकर चलेंगे तो दैट विल हेल्प आवर ऑर्गेनाइजेशन डेवलप इनटू हाई परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, इसका टॉपिक्स पर हम चलते हैं, तो हाउ टू इम्प्लीमेंट एचआर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें सबसे पहले एनालिसिस, आइडेंटिफाइंग द पेन पॉइंट्स, क्या प्रॉब्लम थी पिछले जो सिस्टम है उनके साथ, तो उसके हिसाब से हम फिर ये डेवलप करते हैं कि व्हाट आर द नीड्स ऑफ द नेक्स्ट कम टेक्नोलॉजी और नेक्स्ट सिस्टम। फिर रोलिंग आउट द न्यू सिस्टम्स, के न्यू सिस्टम हमें इसमें साथ चेंज मैनेजमेंट और एंड देन प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, तो ये इसका बेसिक्स है। अब इसको हम इन डेप्थ देखते हैं, ये टॉपिक्स इन डेप्थ जब हम इसे एनालाइज करेंगे तो ये टॉपिक्स हमारे ये नजर आएंगे। तो नंबर वन, असेसमेंट एंड स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। जिस वक्त हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले असेसमेंट हमारी होती है कि प्रीवियसली हम क्या कर रहे हैं और आगे टेक्नोलॉजीज कौन सी अवेलेबल हैं, तो हमें क्या इम्पैक्ट होगा ऑन अवर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आगे देखेंगे हम। देन टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, प्रोसेस ऑटोमेशन, एम्प्लॉय एक्सपीरियंस एनहांसमेंट, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, चेंज मैनेजमेंट, कंप्लायंस एंड सिक्योरिटी, कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, ये सारे हमारे टॉपिक होंगे जो कि नेक्स्ट स्लाइड्स में हम इसको इन डेप्थ देखेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं असेसमेंट एंड स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। तो इसमें असेसमेंट एंड स्ट्रेटजी में देखें, सबसे पहले करंट स्टेट एनालिसिस होती है, तो करंट किस पोजीशन पर है, व्हाट एट विच स्टेज वी आर हियर, तो इवेल्युएट द एग्जिस्टिंग एचआर प्रोसेस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज टू आइडेंटिफाई द पेन पॉइंट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। प्रीवियसली हमारे प्रॉब्लम्स क्या हम फेस कर रहे हैं, कंसर्न्स क्या हैं और इश्यूज क्या हैं, तो जिसकी वजह से हमें चेंज की जरूरत है और आगे जो नेक्स्ट हम जिस
प्रोसेस की तरफ आना चाह रहे हैं, डिजिटलाइजेशन की तरफ आना चाह रहे हैं, तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं? तो ये हमें फिर बिजनेस अलाइनमेंट हमने देखनी है कि हम जो अब प्रीवियस प्रॉब्लम्स की वजह से जो हम नए सिस्टम की तरफ आना चाह रहे हैं, तो बिजनेस अलाइनमेंट ही है कि नहीं है, और उसमें किस तरीके से हम अपने बिजनेस में फिट कर सकते हैं और अलाइन कर सकते हैं पॉलिसीज। तो इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट है जी टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। तो टेक्नोलॉजी बहुत से मतलब टूल्स हैं अवेलेबल मार्केट में, तो उनमें हम खास तौर पर ये एचआर इंफॉर्मेशन सिस्टम है एचआरआईएस के नाम से, टैलेंट बहुत से टू सिस्टम्स अवेलेबल है मार्केट में, इसी तरह टैलेंट मैनेजमेंट टूल्स हैं, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस टूल्स हैं, डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग सिस्टम है। तो ये टूल्स इनकी एडॉप्शन की जरूरत होती है, हमें किन चीज़ों की जरूरत है और कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, कन्विंस मैनेजमेंट और जो टीम मेंबर्स हैं, मैनेजमेंट है, ओनर्स हैं, क्या इनको समझती है और उसमें एट व्हाट लेवल ऑफ अडॉप्शन इज देयर। फिर प्रोसेस ऑटोमेशन में आ जाते हैं। अब सबसे बड़ा फायदा जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में ये ऑटोमेशन ही है, हमारे वर्क फ्लो आइदर वर्क फ्लो ऑटोमेशन है या चैट बॉक्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स लाइक ऑटोमेटेड वर्क है, तो इसमें हम लेकर जा सकते हैं। वर्क फ्लो ऑटोमेशन में ऑटोमेटिकली हमारा जो टास्क हैं लोगों की डिफरेंट डिपार्टमेंट से, जहाँ फ्लो इंफॉर्मेशन जो सीक्वेंस है उसके हिसाब से हमारे पास आते हैं। मिसाल के तौर पर ये लीव अप्रूवल्स है, पहले पहले एक सबॉर्डिनेट अब सबमिट करेगा, उसके बाद फिर मैनेजर अप्रूव करेगा और डिसअप्रूव करेगा, या उसे एज पर डिस्कशन होगी, देन ये एचआर या हायर मैनेजमेंट की तरह, तो जो जो प्रोसेस है वो इन ऑटोमेटिकली ये आता रहेगा, तो और उसमें अप्रूवल हो जाएगी। देन एक्सपेंस रीएम्बर्समेंट्स हैं, इसी तरह के किस तरह सीक्वेंस से आना है और कब आना है, तो उस हिसाब से एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, ये सारी चीज़ें वर्क फ्लो ऑटोमेशन में आ जाती है। तो इस तरीके से हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को एक बेहतरीन तरीके से लेकर चल सकते हैं। इसके बाद इसी तरह चैट बॉक्स वर्चुअल असिस्टेंस आपने देखिए, ये बहुत सी जगहों पर ये आपने चैट बॉक्स जब करते हैं तो ऑटोमेटिकली रोबोट टाइप वर्किंग इसमें होती है, तो खुद ब खुद आंसर्स आपके क्वेरीज के आते हैं। देन इज एम्प्लॉय एक्सपीरियंस एनहांसमेंट, खास तौर पर जो जो एनरिचमेंट ऑफ देयर वैल्यू, इसी को हम एक्सपीरियंस भी कहते हैं, तो ये एम्प्लॉयज की एक्सपीरियंस भी बढ़ता है। सबसे पहले मोबाइल एक्सेसिबिलिटी है, तो इसके जो चीज़ें हमें कंसिडर करनी चाहिए, ये अगर एप्लीकेशन जो है जो सिस्टम हम ला रहे हैं ऑटोमेटेड या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, अगर उसकी मोबाइल एक्सेसिबिलिटी नहीं है, मीन्स कि आप डिफरेंट प्लेसेस पर नहीं कर सकते, तो वो उसकी लिमिटेशन आ जाए। तो इट डिपेंड्स वेयर इट इज रिक्वायर्ड, तो मोस्टली ऐसे सिस्टम होने चाहिए जो आपके इवन मोबाइल फोन्स पर भी आप उसे एक्सेस कर सकें, आपके जनाब कंप्यूटर पर घर से बैठ कर भी उसे कर सकें, तो उतनी फ्लेक्सिबिलिटी और उनकी उतना ज्यादा यूजेज बढ़ जाता है। बहरहाल देयर आर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच सिस्टम। इसी तरह पर्सनलाइजेशन है, आपके आपके एक्सेस में होना चाहिए, आप उसको रीच कर सकें, आप उसको यूज कर सकें, फीडबैक सब सारा कुछ। लास्ट में फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए, तो ये तीनों चीजें अगर जिस सिस्टम में अच्छी होंगी तो अकॉर्डिंगली वो सिस्टम उस हिसाब से एक हायर लेवल ऑफ सिस्टम या एक्सेप्टेबल सिस्टम या एप्लीकेबल सिस्टम कहा जा सकता है। तो एम्प्लॉय एक्सपीरियंस एनहांसमेंट के बाद हम लर्निंग एंड डेवलपमेंट। अच्छा, लर्निंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, क्योंकि डिजिटली आपके पास बहुत से लर्निंग प्रोग्राम्स ऑटोमेटिकली अवेलेबल होते हैं, इन बेस्ट फॉर्म के आप उसके इंटरेक्टिव ट्रेनिंग सेक्शन सेशंस होते हैं, तो वहां पर इंडिविजुअली आप ले सकते हो। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स आर अवेलेबल जो कि माइक्रो लर्निंग इवन प्रोवाइड करते हैं, आप इवन इंडिविजुअल एवरी एम्प्लॉय कैन गेट इट्स ओन सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग और लर्निंग प्रोग्राम, तो उसे सिलेक्ट करें और खुद कर सकता है, या मैनेजर उनका जो है जो भी वो समझते हैं कि ये जरूरी है, तो उसमें वो उनको असाइन कर देते हैं।
तो वो असाइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम इजीली कर सकता है। तो यहाँ पर लर्निंग एंड डेवलपमेंट जो है ना वो बेहतरीन तरीके से हो जाता है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट के बाद इसी तरह डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, तो डेटा ड्रिवन इंसाइट्स इजीली मैनेजमेंट ले सकती है। हमारे पास सिस्टम होता है खास तौर पर इसमें, जो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स और एचआर मैट्रिक्स डेवलप किए जा सकते हैं, जिसकी वजह से आराम से हमारे पास लॉट ऑफ डेटा इज देयर, वी कैन इवेल्युएट द डेटा और डेटा इन अ गुड प्रेजेंटेशन फॉर्म हमें डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करता है। तो इसमें जो मेन जो प्रिडिक्टिव एनालिसिस एनालिटिक्स है, वी कैन यूज अ डेटा टू प्रिडिक्ट अ फ्यूचर वर्कफोर्स ट्रेंड्स। लाइक अगर किसी को मैनेजर प्रमोट कर रहे हैं, किसी सैलरी इंक्रीज करनी है, अपना वर्क कुछ चेंज करना है, उनके असाइनमेंट्स डिफरेंट देनी है, तो वहां पर हमारा ये डेटा काम आएगा कि आगे इन लोगों को किस तरह या इन टास्क को और बेहतर किस तरह किया जा सकता है। तो उसमें जो फ्लॉज हैं वो मिनिमाइज करेंगे और उनके जो बेनिफिट्स हैं उनको हाईलाइट करके अप्रिशिएशन। इसी तरह एचआर मैट्रिक्स की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स वगैरह, इसमें ये बेहतरीन तरीके से सेट किए जा सकते। तो बाय द डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग अप्रोच, मैनेजमेंट फंक्शन खासतौर पर एचआर में, जो एचआर का जो फंक्शन है वो ज्यादा आसान भी हो जाता है और एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस में आ जाते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह चेंज मैनेजमेंट है, तो जिस वक्त हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में आते हैं तो एक चेंज भी आते हैं। तो चेंज मैनेजमेंट एचआर का मेन फंक्शन है, जिसमें टाइमली एंड सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कौन सी किस वक्त कम्युनिकेशन करनी है और कौन से टूल्स यूज करने हैं, वेदर ईमेल करनी है, वेदर आपने शॉर्ट सेशंस लेने हैं, इंडिविजुअली मीट करना है, मीटिंग करनी है, या फिर आपने कोई बिग कोई सेशंस अरेंज करने हैं, तो एवरेड तो, और उसके साथ साथ देयर नीडेड ट्रेनिंग सेशंस मैनेज करने, तो ये चेंज मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। देन इज कंप्लायंस एंड सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो दैट इज कॉल्ड इज कंप्लायंस। तो हमारे जो रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट प्रोसीजर पॉलिसीज जो है उसके मुताबिक चलना चाहिए कि वेदर वी आर डूइंग इट और नॉट। तो जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है वो कंप्लायंस एंड सिक्योरिटी को फुलफिल कर रही है या नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट में हम कह सकते हैं कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, जिसमें फीडबैक लूप और बेंचमार्किंग विद द इंडस्ट्री और विद योर प्रीवियस वर्क, इसके जरिए हम एक कंटिन्यूअस रेगुलर इंप्रूवमेंट होने के, और यही एक ऑर्गेनाइजेशन की खूबसूरती होती है कि ऑल द टाइम दे आर गोइंग टू इम्प्रूव थ्रू देयर फंक्शंस, पीपल एंड मोटिवेशन। और इसमें इन सब चीजों का मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन बहुत बड़ा रोल होता है। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ये अगर हम अपने सिस्टम में, ऑटोमेशन सिस्टम में या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में हम अपने फिट कर देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये टाइम टू टाइम व्हेन एवर नीडेड या ओकेजनल इंसेंटिव, जिस वक्त हमें जरूरत होती है, क्वार्टरली बेसिस, मंथली बेसिस, तो ये हमारे पास एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में अवेलेबल होते हैं केपीआईज, ये हमारे हम अपने तमाम एम्प्लॉयज को, तमाम लोगों को इवेल्युएट कर सकते, तो जिससे इसका बड़ा फायदा ये होता है रेगुलर असेसमेंट होती है, तो पीरियोडिक असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बेनिफिट्स डेफिनेटली ये स्टार्ट में भी डिस्कस हुआ है कि बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल एचआर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। आजकल यही एक सिस्टम है जहां जितना ज्यादा डिजिटलाइजेशन होगी उतना ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन को टाइम सेविंग, कॉस्ट सेविंग और खास तौर पर एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट और लोगों के ज्यादा बेहतर होते। इसमें इंप्रूव्ड एफिशिएंसी है, एनहांस्ड एम्प्लॉय एक्सपीरियंस है जैसे कि पहले भी डिस्कस किया है, बेटर डिसीजन मेकिंग एजिलिटी मतलब क्विक डिसीजन एंड प्रॉम्प्ट डिसीजंस और फंक्शंस कैन बी परफॉर्म, इसी तरह कंप्लाइंस है, इनोवेशन है, ये सारी चीजें हमें, ये बेनिफिट्स हमें मिलते हैं थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अब आ जाते हैं सिक्स स्टेजेस ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन।
हमारे ये 6 स्टेजेस आगे हम डिस्कस करते हैं, व्हाट आर दीज 6 स्टेजेस। तो इसमें बिजनेस एज यूजुअल, मतलब ये फर्स्ट स्टेज है बिजनेस एज यूजुअल, प्रेजेंट एंड एक्टिव, फॉर्मलाइज्ड, स्ट्रेटेजिक, कन्वर्ज या इनोवेटिव एंड अडाप्टिव। तो ये सारे ऊपर से नीचे तक ये इसमें मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट एंड डिजायर ये बढ़ती रहती है। तो ये आगे हम देखते हैं, तो इसके डिटेल आप देख सकते हैं। अब सबसे पहले फर्स्ट स्टेज जो है बिजनेस एज यूजुअल, कोई अगर बहुत जरूरत पड़ती है तो वहां पर फिर एज यूजुअल वो हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में आते हैं। मैनेजमेंट कोई इंटरेस्टेड नहीं होती, लेकिन देखा देखी कि अभी बाकी जगहों पर क्या हो रहा है और अब ये हमें करना पड़ेगा, तो उस वक्त डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में आते। तो ये फर्स्ट स्टेज इसे कहलाती है। तो इस यहाँ पर कंपनी ऑपरेट्स नॉर्मली, नो इफेक्ट इज एक्सपेक्टेड, यूजली कोई खास चेंज नहीं आती है। जस्ट एक सिस्टम आया, जिसमें मिसाल के तौर पर एक सेल्स कंपनी ऑपरेट कर रही है, तो वो कहते हैं कि लोगों को चेक करने के लिए पहले मैनुअल चेकिंग होती थी, अब वो इसमें मुख्तलिफ टूल्स जिसमें मोबाइल एप्लीकेशन आ जाती हैं, तो लोगों को चेक किया जा सकता है वेदर दे आर गोइंग टू देयर कस्टमर्स और नॉट। तो और फिर कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं, किस कितनी देर कॉल की, तो ये सारा कुछ उनका इन टूल्स में आ जाता है। तो ये छोटी सी चेंजेस है जो कि आप कंपनी, उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें ना तो कोई ज्यादा अप्रूवल की जरूरत होती है, सिर्फ कॉस्ट कितनी है तो उस हिसाब से। तो यूजुअली इसमें सेल्स डिक्लाइन, जो खास तौर पर जो इसमें टू टेक स्टार्ट दिस जर्नी कंपनी में नीड एक्सपीरियंस लॉसेस लाइक, जिसमें खास तौर पर सेल्स डिक्लाइन है, हाई टर्नओवर है, हायर देन एवरेज ऑपरेशनल कॉस्ट है, तो वहां पर फिर ये कंपनी कन्विंस होती है और लीडरशिप कन्विंस होती है कि ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज नेसेसरी, अदरवाइज दे आर नॉट इंटरेस्टेड। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बिजनेस एज यूजुअल। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है एक यूजुअल चेंज के तौर पर इसे लेकर आए। देन प्रेजेंट एंड एक्टिव, यहाँ पर जो है इस स्टेज में इंटरेस्ट इन द डिजिटल इंफॉर्मेशन शुरू होता है, बिगेंस फॉर द लीडरशिप या एम्प्लॉयज। तो जस्ट एक डिजायर होती है कि हम भी कोई चीज, कोई नई चीज या डिजिटलाइजेशन ये भी होनी चाहिए, तो बहुत ज्यादा ये नहीं होता इसमें। तो इस ड्यूरिंग दिस स्टेज लीडर्स मे बिगिन टू विटनेस द कॉम्पिटिटर्स गेनिंग मार्केट शेयर बिकॉज ऑफ द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो जिस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से अगर कोई चेंज आ रही है कॉम्पिटिटर्स के, तो उस वक्त लीडर्स को थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ हमें भी अब सोचना चाहिए। तो इसमें बेसिकली ओवरऑल कोई खास इनिशिएटिव्स नहीं होते फ्रॉम मैनेजमेंट साइड और फ्रॉम ओनर साइड और फ्रॉम लोअर साइड। तीसरा जो स्टेज है वो रिलेटिवली थोड़ा सा फॉर्मेलाइज, बल्कि इसको फॉर्मेलाइज स्टेज कहते हैं। तो यहाँ पर लोग जो है या लीडरशिप है स्टार्ट टू डू रिसर्च ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर इनकी मोटिवेशन थोड़ी सी होनी शुरू होती है कि ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये नहीं कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को देख करके उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया इस डिजिटलाइजेशन से, तो उस वक्त जाए तो ये पहले से थोड़ा सा सोचना शुरू कर। तो इसी तरह अदर्स मे आल्सो फील्स अनकंफर्टेबल। तो दूसरे जो है ना, वो अगर कोई एक दो लोग ये मैनेजमेंट सोचती है तो सबॉर्डिनेट्स उसे अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो ये उस वक्त तक अभी एक फॉर्मलाइज मेथड जो चलता है, लेकिन लोग पूरे मुतमईन नहीं होते ऑर्गेनाइजेशन के लेवल। तो ये यूजुअली डिपार्टमेंटल और टीम लेवल पर ही होती है, जहाँ पर जो लोग कन्विंस हो गए उसमें एक मोटिवेशन होती है और किसी हद तक फिर वहां पर इनको प्रोसेसेस को समझा जाता है, मार्केट में देखा जाता है कि कौन से डिजिटल टूल्स हम यूज कर सकते हैं, तो उसको फिर अप्लाई कर दिया जाता है इफ नीडेड। देन स्ट्रेटेजिक, इस स्टेज में जो है वो यूजुअली जो कंपनी हैज डिसाइडेड टू मूव फॉरवर्ड, तो कंपनी सोच लेती है कि अब हमने डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना है, तो डिपार्टमेंट और बिजनेस यूनिट
एंड ओवरऑल कंपनी लेवल पर इसमें फिर डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है हाउ वी कैन अप्लाई इट और उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर। तो इस स्टेज में ये चूंकि स्ट्रेटेजिक चेंज लानी होती है, तो स्ट्रेटेजिक चेंज के लिए मैनेजमेंट और लीडरशिप जो है वो समझती है कि यहाँ पर हमारी जरूरत है, तो ये इस स्टेज पर जाकर ज्यादा मोटिवेशन होती है और अर्ली अडॉप्टर्स में आने की कोशिश करते हैं, बट दे आर नॉट वेरी स्ट्रेटेजिक या बहुत ज्यादा कोई ईगर नहीं होते टूवर्ड्स यूजिंग द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। देन फिफ्थ स्टेज फर्दर हायर लेवल स्टेज आती है कन्वर्ज स्टेज। कन्वर्ज स्टेज मीन द कंपनी एज ए होल व्यू द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एज ए की इनिशिएटिव। अब ये समझते हैं कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना वो हमारे लिए बहुत जरूरी है और ये इनिशिएटिव हमें लेना चाहिए। तो इसमें बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशन इन चीजों को डिसाइड करती है, तो इसमें कंपनीज कल्चर हैज एम्ब्रेस्ड इन दिस न्यू बिजनेस मॉडल, तो वो इसमें जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ से फुली कन्विंस्ड भी होते हैं और उनके एक्साइटेड होते हैं कि अब इसको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो देन कन्वर्ट इनटू दिस फॉर्म। और लास्ट स्टेज जो हाईली मतलब वो इनोवेटिव एंड अडेप्टिव स्टेज है, तो खुद से डिसाइड करते हैं कि व्हाट न्यू टेक्नोलॉजीज आर कमिंग, उसको सर्च करते हैं, तो जिसमें जो लीडरशिप और मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज जो है एज ए होल कंपनी हैज कम टू फुली सपोर्ट द डिजिटल वर्ल्ड, तो डिजिटल वर्ल्ड को पूरी तरह सपोर्ट करते हैं कि भी ये वाकई हमारे लिए जरूरी है, तो व्हाट एवर द न्यू सिस्टम्स आर अवेलेबल वो तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कंपनीज कल्चर हैज कंप्लीटली एम्ब्रेस दिस न्यू वे, तो यहाँ पर डिजिटलाइजेशन की तरफ से की तरफ पूरी तरह ये एक्साइटेड होते हैं और ये कन्विंस होते हैं और ये तलाश कर रहे होते हैं कि न्यू सिस्टम कोई अच्छा आता है तो हम उसे। तो ये सारी चीजें जब हमने देख ली तो इसको डिजिटलाइजेशन को हम बेहतरीन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो आई एम श्योर कि दिस प्रेजेंटेशन और ये अगेन मैं ये कहूंगा कि PIPD की तरफ से जो हमारे सेशंस हो रहे हैं दीज आर हाईली इफेक्टिव और आज इसका ये लास्ट सेशन है। With this, thank you very much and praise and best wishes for your career growth. I am sure कि ये जितने भी सेशन है ये आप वीडियोस भी मोस्टली अवेलेबल है, तो आप ये देखेंगे कि इट विल हेल्प यू अ लॉट इन डेवलपिंग योर ऑर्गेनाइजेशन। तो जहां जहां पर आप ये सब कुछ कर सकते हैं डेफिनेटली एज ए HR आप जिस लेवल पर भी हैं आप उसको बेस्ट यूटिलाइजेशन दीजिए। तो विद दिस थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।